तो ये केवल डेमो क्लास है क्लास 12th के लिए, फिजिक्स की है। आइए समझते हैं। तो क्लास 12th की जो फिजिक्स है हमारी, उसमें टोटल 15 चैप्टर होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर वन जो हमारा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है, ऐसे ही सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट कैपेसिटेंस है, थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो ऐसे टोटल करके 15 चैप्टर हैं। तो 15 चैप्टर हम लोग चाहें तो 3 महीने में बड़ी आसानी से फिनिश कर सकते हैं। इनके लिए 3 मंथ से ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो हम लोगों को पूरा अपना एक स्ट्रेटजी रेडी करनी है ताकि 3 मंथ में रेडी कर पाएँ। और ये हमारे PCM के लिए होगा। देखो ये डेमो है फिजिक्स की, आप लोग फिजिक्स देख लीजिए। ये चैप्टर्स हमारे हैं पूरे जो हमने यहाँ चैप्टर दिखाए हुए हैं आप। और देखिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास चीज़ें क्या अवेलेबल होनी चाहिए, मैं वो आपको बता दूँ पहले। देखो हमारे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पहला नंबर तो आपके पास SL अरोरा, ठीक है, SL अरोरा की बुक होनी चाहिए फिजिक्स की। उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, किसी भी हालत में आप ये अरेंज करवाइए, दोनों पार्ट आपके पास, ये दोनों पार्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ ये होना चाहिए। और NCERT की बुक तो है ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर NCERT की बुक से हमें जो उसके सारे क्वेश्चंस हैं उसके दो चीज़, एक तो उसके जो सॉल्व एग्जांपल हैं हमें एग्जांपल को करना है, एग्जांपल एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे एग्जांपल को अच्छे से करना है। और दूसरी चीज़ जो उसका एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमको एकदम से रटा होना चाहिए, वो बिल्कुल हम 2-3 बार करवा देंगे। तो ये हो गया। और तीसरी चीज़, आपके पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो होना चाहिए, कोई एक बुक होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो चैप्टर वाइज, ये बिल्कुल स्टार है आपके पास, ये अवेलेबल होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आप ले के बैठेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के लिए हमें इतना काम करना होगा, इतना काम अगर हम करते चलते हैं तो हमारा ये आउट ऑफ 100 का काम होता चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें अचीव करने में। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके इंटरनल हो, आपके एक्सटर्नल हो, बोर्ड्स हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे आउट ऑफ 100। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी, ठीक है। तो मैं स्पेशली जो रिकमेंड करूँगा वो SL अरोरा। तो सबसे पहली बुक हम लोगों की कौन सी होने वाली है, SL अरोरा होगी। SL अरोरा से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसके थ्रू, फिर हम NCERT के थ्रू होते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तक जाएंगे। अब चैप्टर जब हमारा फिनिश होगा, जब चैप्टर फिनिश होने के बाद जो आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बोल सकते हैं, आपके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। चैप्टर हमारा जब स्टार्ट होगा, पहली बात तो ये कि कोई भी स्टूडेंट हमारी बात को इग्नोर नहीं करेगा, जो बातें मैं बताऊँगा उसको बहुत ही सीरियसली उस बात को लेना है। मैं हर चैप्टर को फिनिश करने के बाद उस चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इन द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। देखो आपको मैंने पहले ही बोला था वीडियो में कि आप वीडियो को विद कॉपी और पेन दोनों चीज़ ले के बैठेंगे और हर चीज़ में नोट कर पाएंगे जो आपको खास लगेंगी। और चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं एक कोशिश करूँगा कि एक स्पेशल टेस्ट करवा लूँ आप लोगों का, ठीक है। उस टेस्ट में आप मार्क्स अच्छे से अचीव कर पा रहे हो, जैसे इस टेस्ट में अचीव करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम में उसे बेहतर मार्क्स ला सकते हो। जैसे हमारे टेस्ट अगर हो रहा है, मान लीजिए हमारे टेस्ट में आपने 100 में से सपोज दैट आपने जो है 90 अचीव किया, तो आप अपने बोर्ड में वो 100 कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट मैं बिल्कुल VIP रखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा। और ये टेस्ट पेपर आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में केवल यही यही क्वेश्चन करके जाने होंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हम लोगों का सिस्टम है। इसी तरह हम लोगों को फिजिक्स को कवर करना है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो देखिए जैसे हम लोगों का जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर 1 हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और फील्ड। तो इसमें देखो सबसे पहले आप समझना होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके वो ये हैं, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके ये कूलम्स लॉ जब पढ़ोगे तो ये आपके माइंड में बना होना चाहिए कि ये 5 स्टार है। देखिए जहाँ जो ये टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शो कर दूंगा कि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हैं। बाकी टॉपिक आप चाहे उतना सीरियसली मत पढ़िए, लेकिन जो मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ दिखा दूंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शो कर दिया कि कूलम्स लॉ है, अगला है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगला है गॉस लॉ। ठीक, तो ऐसे ही मैं कोशिश ये करूँगा कि हर चैप्टर के मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें शो कर दूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आपके बोर्ड में ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इस चैप्टर के लिए, यानी जो पहला चैप्टर हम लोगों का है, जो फर्स्ट चैप्टर है ये, उस फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे हमारे पांच टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं साहब साहब, ये पांचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पांचों टॉपिक आपको एकदम से रट्टा मार देना है, चाहे इसको पाँच से छः बार करें, 5 to 6 times करेंगे, लेकिन ये आपको एकदम से लर्न होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आएंगे तो यही पांच टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही समझना है हम लोगों को। और ख़ास बात क्या हो सकती है हम आगे समझना। देखिए, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल, वहाँ पे हमने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा रहे हैं। ठीक है, टोटल 15 टॉपिक्स दिखा रहे हैं, मतलब कि तो उसमें से हमने पाँच टॉपिक जो चूज़ किए हैं, जैसे मैंने कूलम्स लॉ चूज़ किया था, फोर्स मल्टीपल चार्ज चूज़ किया था, डायपोल चूज किया था, गॉस लॉ चूज़ किया था, ऐसे मैंने पांच टॉपिक्स वहाँ चूज़ किए थे। तो वो पांच टॉपिक आपके ये वाला डायपोल्स एक्सटर्नल, तो वो पांच टॉपिक मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में पक्का है कि वो आने वाले हैं। तो यही चीज़ें हैं, लेकिन हमको अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में तो हमें हर चीज़ में पढ़नी ही पढ़नी है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बट चैप्टर के एंडिंग में वो पाँच टॉपिक जो हैं वो आपके माइंड में एक एक उसकी एक फिल्म बन जानी चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में यही आने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो जितना आप लोग ध्यान रखेंगे हमारी बातों को, देखिए आप सीरियसली अगर समझते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, आप बिल्कुल बिंदास बिना डरे हुए अपने एग्ज़ाम में जाएंगे और आप जो मार्क्स चाहते हैं वो मार्क्स आप बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना डाउट के, जो ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये वर्ड जो होता है ये आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप 100% अपने मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी बातों को फॉलो करिए और बिना टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए। तो देखिए अभी ये डेमो चली है फिजिक्स की, बाकी हम लोग वन बाय वन करके हर चीज़ पढ़ेंगे, हर चीज़ समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हल्का सा डिस्कशन कर लूँगा हर चैप्टर से पहले मैं डिस्कशन करूँगा। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर हमारा होगा तो उसमें नॉर्मली मैं इन सबको समझा दूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको नॉर्मली मैं समझा दूँगा, बाकी हम लोग जो डीपली पढ़ने वाले हैं वो एसएल अरोरा से स्टार्ट करेंगे, एसएल अरोरा के थ्रू। एनसीईआरटी का सिर्फ काम इतना रहेगा कि एनसीईआरटी से हम लोग इसके सॉल्व्ड एग्जांपल, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल हम लोग उठाएंगे, और प्लस इसके जो इसकी एक्सरसाइज वाला है, एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन है वो हम लोग करेंगे। तो इसका दो चीज़ें इसका हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो एक्सरसाइज सेक्शन और इसके सॉल्व एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी में और कुछ हम नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें मैं एसएल अरोरा से उठाऊँगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए तो जैसे एनसीईआरटी के हम लोग लास्ट में पहुँच जाते हैं, देखो सबसे पहले सॉल्व्ड वाले मटेरियल देखिए, ये जैसे ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पे ये है ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इसको हमें अच्छे से करना है, समझना है। ठीक है, अभी ज़्यादातर क्या होता है, आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, कुछ पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर किया जा रहा है, और अगर करवा भी दिया जा रहा है तो उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे, ये जो मैं वन बाई वन बता रहा हूँ, ये सॉल्व एग्जाम्पल पर फोकस नहीं किया जाता, बट वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ स्किप कर जाओ। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे देखा जाए तो एनसीईआरटी जो हमारी होती है, एनसीईआरटी अगर कर लेता है कोई तो एनसीईआरटी से ही हम जो है अचीव कर सकते हैं आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100, बट हम लोग एक एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए क्या काम करते हैं कि हम लोग जो है कोई रेफरेंस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए और हमारी बातों को फोकस करिए, मैं हर चीज़ कोशिश करूँगा। इस बार हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे एकदम रिकॉर्ड तोड़ दें, तो जो भी हमसे ज्वाइन होंगे हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट में क्लेम कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, देखिए फिर हमारे सामने एक्सरसाइज आ गई, अब ये एक्सरसाइज जो सेक्शन है इसके सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमारे लिए एकदम स्टारर हैं, ये पहला हमारी ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको इनको एकदम से अच्छे से करना है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि इनको बिल्कुल, इनकी पूरी एक्सरसाइज हमारे एकदम माइंड में एकदम बनी होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग जो है एकदम स्ट्रांग हो पाते हैं। ओके, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी हमारी कि फिजिक्स की क्लास कैसे चलने वाली है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्या करेंगे, पहले हमारा कॉन्सेप्ट रेडी होगा, कॉन्सेप्ट पहले मैं एकदम ओके करवाऊँगा,
कॉन्सेप्ट जो होगा आपका वो कॉन्सेप्ट एसएल अरोरा से होके होगा, और इससे आपके नोट्स रेडी होंगे। एसएल अरोरा के साथ आप आपका अपना खुद का एक नोट्स रेडी करिए, तो ये नोट्स रेडी होगा, कॉन्सेप्ट ओके हो चुका है। अब बारी आती है सेकंड सेक्शन की, जो कि क्वेश्चंस की है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी के सॉल्वड एग्ज़ाम्पल करेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे अटैक करेंगे। ये दोनों एकदम ओके होने के बाद हम लोग थर्ड सेक्शन पे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं चैप्टर वाइज वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कम से कम 10 साल का, एटलीस्ट 10 ईयर का, ठीक। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो हमारा होगा वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, और इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा इस चैप्टर का, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि हमें लिमिटेड पढ़नी है, वो मैं दे दूंगा। इस तरह से हमारा टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग लगे रहिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं स्पेशली वो हमको मैसेज कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है अपनी प्रॉब्लम। उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास उसके लिए मैं रेडी कर दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं तो बीच में उसको एक्स्ट्रा कोई चीज़ वो पूछ नहीं सकता। ओवरऑल यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा जो सेक्शन है, जो ये स्टार्ट हुआ है, इसमें यह कोई डाउट वर्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ हमको कोई प्रॉब्लम रह गई, हमको किसी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमको किसी थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ मैं सुनने को ना पाऊँ। और आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहें, आपको भी कोई डाउट ना रहे कि आपको कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई कि आपको कुछ समझ ना आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कल से हम लोगों की पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, पीसीएम की पूरी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैं आपको आउट ऑफ 100 में आउट ऑफ 100 दिलाने वाला हूँ, ओके। तो नो प्रॉब्लम, बिना टेंशन के हम लोग कल से स्टार्ट होगी क्लास। देखिए, वीडियो जो आने का टाइमिंग होगा, कोशिश मैं करूँगा कि 8 बजे तक भेज दूँ। हो सकता है कि 8 से 9 PM तक आपको एवरीडे वीडियो मिल जाया करेगी, और आप लोग बैठ करके उसको अच्छे से देख करके उसका नोट्स रेडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, ताकि उसको मैं, और वो जल्दी से जल्दी बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पे ही वीडियो से स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपकी प्रॉब्लम्स को वहीं पे ओके करके दे दूँ, ठीक है।